तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग और बात करेंगे लूप के बारे में। सबसे पहले लूप की फंडामेंटल को समझिए कि लूप क्या होता है। बेसिकली लूप जो दो तरह के होते हैं, एक फोर होता है और एक हमारा डू होता है। फोर के भी दो पार्ट होते हैं, इसमें हम फोर को फोर आई कर सकते हैं और यहाँ पे फोर इच कर सकते हैं। ऐसे डू के भी दो लूप होते हैं, फोर वाइल एंड फोर अनटिल। फोर आई पे यहाँ हम देते हैं वन टू, जैसे मैंने दिया 50 ऐसे स्टार्टिंग टू एंडिंग, या 50 to 100 इस तरह से हम देते हैं। फोर ईच के अंदर में क्या होता है कि होता है सिलेक्शन, कि एक सिलेक्टेड एरिया को या एक सिलेक्टेड आइटम को या वर्कबुक को, तो जिसे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको रन करते हैं। दूसरा वाइल और अनटिल में हम डालते हैं कंडीशन कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल्स एक कंडीशंस के अगर इक्वल आता है तो यहाँ पे हमारा लॉजिक स्टॉप कर दे, ठीक है। डू वाइल और डू अनटिल होता है, तो बेसिकली दो लूप होते हैं। तो बेसिकली लूप का पर्पस आज से पहले भी बताया था, फिर भी एक बताता हूं कि लूप का एक पर्पस है, उस पर्पस को समझिए कि एक काम को रिपीट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ ये बनाता हूँ, एक का स्टिकर बना रहा हूँ, मान लीजिए कि मुझे इसको कॉपी करके कई जगह कई बार पेश करना है, एक के नीचे इस तरह से। मुझे इसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग बना करनी है, तो क्या करेंगे तो बताता हूं आपको। डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल्स और यहां पे सब्जेक्ट देते हैं आरा ग्रीन। अब ये जो ध्यान में रखना है कि लूप को किस कोड को लूप के अंदर रखना है, जैसे A1 से लेके C6 है, तो यहाँ पे हमने डाला A1 से लेके C6 डॉट कॉपी। फिर यहाँ पे रेंज 65,000 पेस्ट करने का है, एक के नीचे डॉट एन एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट, वह यहाँ पे 1,1 2 होगा, एक रो छोड़ना है 0 ये हमारा कॉपी पेस्ट है, रेंज है हमारा कि यहां से कॉपी करेगा यहां पेस्ट करेगा। तो अब इसको रन करूंगा तो क्या होगा, इसको रन करूंगा तो इसको क्या करेगा, रिपीट करेगा, एक के नीचे पेस्ट कर देगा इस तरह से। लेकिन मुझे इसको कई बार कॉपी पेस्ट करवाना है तो हमें सिर्फ इस लाइन को, जो पेस्ट वाली लाइन है, इसको हमें रिपीट कर देना है। जैसे 5 बार तो 5 बार रिपीट कर दिया, तो 5 बार हमारा पेस्ट हो गया। तो यहीं पे हमें लूप की जरूरत पड़ती है कि मुझे एक पर्टिकुलर कोड को कई बार रिपीट करवाने हैं, हमें एक पर्टिकुलर कोड को कई बार रिपीट करवाना है। तो इस चीज को जानना जरूरी है कि किस कोड को, तो इस कोड को, क्योंकि कॉपी को बार बार कॉपी करने से फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार कॉपी करने के बाद हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको हम यहां से हम हटाते हैं और यहां देते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 10 और यहां पे हम कर देते हैं टेक्स्ट टाइप। अब मैं इसको यहां से रन करता हूं, रन करते हुए देखा आपने? हाँ सर। तो एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो गया। तो लूप का यूज होता है कि आप जो कोड दे रहे हैं उसको रिपीट करना। अगर आपको लूप यूज नहीं करेंगे तो आपको कई बार कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा, कई बार
कॉपी पेस्ट, मतलब कि इस कोड को कई बार लिखना पड़ जाएगा, फिर वो मैनुअल हो जाएगा पूरा ना सर। हाँ तो लूप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग जरूरी नहीं है कि ए आपका ए हो, मतलब कि फिक्स वन से ही हो, आप जीरो से भी कर सकते हैं, आप फाइव से भी कर सकते हैं, आप टेन से भी कर सकते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करता है। उसके बाद यहाँ पे अब जरूरी कि आई लिखे, मैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी नाम कुछ भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो लिखना चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हो गई, दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करते हैं कि आई का आखिरी यूज क्या है, इस चीज को समझिए। तो इसको समझने के लिए मुझे यहाँ पे स्टेप इन्फो करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं स्टेप इन्फो में आता हूँ एक एक करके, इसका शॉर्टकट F8 होता है। तो आप देखेंगे वन बाय वन हमारा प्रोसीजर कर रहा है, तो कहीं पे माइक्रो अगर एरर दे रहा है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि भाई एक एक करके इस तरह से स्टेप को मूव करें। तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू वन है, आई इक्वल टू वन है मतलब कि इसने जो भी जितना बार रन हो चुका है उसकी काउंटिंग जो है यहाँ पे रखता है, ताकि नेक्स्ट चेक करेगा कि जो आई के ऊपर काउंट है क्या हमारे एंड से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो लूप को ख़त्म करके लूप से नीचे की वाले कोड को प्रोसीड करेगा, हर बार नंबर को बढ़ता घटता है। और एक एक वेरिएबल है, इसको हम कहीं यूज करना चाहे तो यूज भी कर सकते हैं। अब कहां यूज करेंगे, चलिए इसका भी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अब किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि मेरे पास जितने भी शीट्स हैं सारे शीट का नाम डेट के अकॉर्डिंग में लिखना चाहता हूं, डेट के अकॉर्डिंग, समझे? यस सर। तो हमने यहां पे एक किया सब्जेक्ट किया, अब यहां पर करेंगे डिम डीटी एज ए डेट एज ए डेट, और यहां डी टी इक्वल टू हम यहां डेट कर देंगे 1 Jan 2000, जो भी आपका ईयर का डेट है आप कर दीजिए। अब मैं यहां पर लूप चलाऊंगा कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to sheets.count, और उसके बाद हम यहां पे नेक्स्ट, यहां पे हमने क्या कर दिया, लूप को ऑटोमेट कर दिया। फिर यहाँ पे लिखा शीट्स, शीट्स में हमने पता ही है कि शीट्स हम नंबर से भी ले सकते हैं, यहाँ पे आई दिया, बोला इसका नेम जो है इक्वल टू क्या होना चाहिए, फॉर्मेट। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम डेट नहीं दे सकते, डेट ना देने के पीछे रीजन है कि डेट में स्लैश होता है और नेम में स्लैश एक्सेप्ट नहीं करता है। अब यहाँ देख लीजिए, अगर स्लैश एक्सेप्ट करता है तो कोई बात नहीं, स्लैश लिया ही नहीं, देखा आपने, मैं स्लैश टाइप कर रहा हूं तो कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो यहां पे फॉर्मेट देना पड़ेगा, और यहां पे देना पड़ेगा dt plus i minus 1 कॉमा /mm/y। आ गया आपको सर? सर माइनस वन क्यों किया है? माइनस वन इसलिए करना है कि एक जनवरी है, अब डी टी प्लस आई होगा तो एक जनवरी प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा ना, दो जनवरी हो जाएगा ना, तो एक जनवरी को छोड़ देगा वो। ओके ओके, इसलिए ओके सर। इसको मैं यहां से रन करूंगा, एक नाम के दो मैक्रो नहीं होगा, इसको मैं यहां से रन करूंगा तब देखिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये तो चलो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई 30 डेट जो है इंसा हो, उसके बाद जो है डेट को चेंज करें, इंसर्ट करके नहीं रखना चाहते हैं हम, चाहते हैं सीट भी ऑटोमेटिकली। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे कितना चलना है,
इसको महीने का ला हर महीने के हिसाब से चलना है, तो अब यहाँ पे डे का फॉर्मा लगाएंगे और इसमें देंगे ई ओ मंथ, यहाँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट ई वर्कशीट फंक्शन डॉट ई ओ मंथ, इसमें दे देंगे हम डी टी फॉर्मा जीरो। और यहाँ पे हम देते हैं, और पहले से भी सीट हो सकते हैं ना, तो सीट्स डॉट काउंट। और यहाँ पे हमने सीट्स डॉट जिन्हें जी मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास से। अब यहाँ पे सीट डॉट ऐड नहीं, हाँ सीट डॉट ऐड कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए इसने सीट का नाम नहीं दिया इसने, सीट ऐड जो हमने कर लिया शायद इसी में दिक्कत है। कट करता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा पोजीशन हर बार चेंज हो रहा है ना, तो हमें सीट को ऐड करना ये सबसे ऊपर है, क्योंकि हम एक साथ कई सारे सीट ऐड कर सकते हैं ना। सीट डॉट ऐड, और यहाँ पे देखिए काउंट होगा, तो काउंट ये दे दिया डे माइनस ई आ दे दिया, और उसके बाद मुझे या माइनस वन हटा दीजिए। अब वर्क कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये बार मैं सारे शीट्स को डिलीट कर देता हूँ, सबका डेट जो है इसी हिसाब से 1 2 3 4 दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसका अपने आई का जो है यूज करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, डाउट है इसमें? नहीं सर। सर हेलो हेलो, हाँ सुनिए बता सुनिए। हाँ सर, ये अभी हमने सीट क्रिएट की है, हाँ ऊपर और नीचे आपने पहला बताया शीट 1 2 3 या फिर डेट वाइज हमने किए। अभी मुझे प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जब हम किसी टेम्पलेट से मास्टर शीट से ये बाकी के शीट्स में अगर डाटा हमको इंसर्ट करना रहेगा तो उसका सीक्वेंस कैसा रहता है प्रोग्राम लिखने का? पहला शीट पहले तो आप जैसे कि फाइल ओपन करेंगे, सबसे पहले वाला लिखना है या फिर मास्टर का लिखना है? क्या मास्टर का? नहीं, पहले आपको मास्टर वाली जहाँ आपको कॉपी पे मास्टर वाली शीट फाइल ओपन होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेटा शीट को ओपन करेंगे, डेटा के सीट के कॉल पे जाएंगे जिस सीट पे डेटा होगा। अगर फिक्स है कि एक ही सीट है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्टिव सीट कर लीजिए, लेकिन 3-4 सीट है तो कोई डेटा सीट होगा या कोई नाम होगा या पोजिशन होगा, करेक्ट। इस हिसाब से उस सीट पे जाएंगे, डेटा कॉपी करेंगे, फिर वापस मास्टर सीट को एक्टिवेट करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे DT equals to date देने से वो भी तो डायनामिक हो जाएगा, वो ले लेगा ना जो करंट डेट रहेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ एक हर महीने का डेट चाहिए ना, आप जैसे रन होगा जरूरी थोड़ी एक ही तारीख को रन करेगा, वो 10 तारीख को रन कर सकता है। सर जैसे मैं यहाँ पे DT equals to date देती हूँ और मतलब हर महीने के फर्स्ट तारीख को इसको रन करती हूँ, तो ये तो उस डेट के हिसाब से रन होगा ना? हाँ, लेकिन आपको हर महीने की फर्स्ट डेट को याद करना, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं जब मैं रन करूँ तो उसी महीने का बनना चाहिए। हाँ, तो हाँ, उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, ये जो हमने ईओ मंथ का लिया फॉर्मूला ना, हाँ वो आप यूज कर सकते हो। इसमें आप कर दीजिए माइनस वन, डी टी के जगह पे कर दीजिए डेट,
ठीक है, और इसमें कर दीजिए प्लस। अब मैंने ऐसा क्यों किया आप लोग समझाइए मुझे। सुहास जी, हाँ सर, समझाइए मुझे। अब मैं जब भी रन करूंगा उसी महीने की पूरा 30-31 डेट आ जाएगा। तो क्या हुआ कि ईओ मंथ में माइनस वन करने से इस डेट के प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट दिख जाएगा, जैसे कि 31 मार्च। और लास्ट जब प्लस वन करेंगे तो हर महीने की फर्स्ट डेट दिखेगी मुझे। फर्स्ट डेट, यस सर। ऐसे सोचना पड़ता है, सिर्फ वीवीए कोड जान लेने से नहीं होता है, ऐसे दिमाग भी लगाने पड़ते हैं। सर ये जो हम डेम डीटीएस डेट जो लिखते हैं, तो ये जो डेट डेट जो है वो कौन सा वैल्यू लेता है, मींस उसका कुछ फॉर्मेट रहता है या हम जो फॉर्मेट करते हैं ना, जैसा जैसे भी लिखोगे वो डेट फॉर्म डेट को डिफॉल्ट फॉर्मेट में ले लेता है। अच्छा, डिफॉल्ट में लेगा। ओके सर, ओके। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, मैंने आप लोगों को जो बुक भेजा था उस बुक में लूप के चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। और अतीत जी आपको ही बोला हूँ, कल हम लोग थोड़ी सी लंबी क्लास लेंगे, कल एक दो लोग और होंगे आपके साथ लूप पे, ठीक है। कल हम दो ढाई घंटे की क्लास जूम से ही लेंगे, मैंने जूम को टाइम चेंज कर दिया है और 45 मिनट अब नहीं रहेगा। अच्छा, झंझट नहीं होगा आपको, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कल 10 बजे ओके सर, 10:30 करते हैं, ठीक है। हाँ सर, 10 से ओके ओके कंटिन्यू करें क्लास। ओके सर, और आपने जो इफ कंडीशन के ऊपर होमवर्क दिया था ना, वो हाफ हुआ है, तो थोड़ा सा और बाकी है, तो थोड़ा सा बाकी है, मेल कर दूंगी। हां, उसको पूरा करके आप लोग भी मेल कर दीजिए, और हम कल पढ़ेंगे टॉपिक को पढ़ेंगे कंप्लीट लूप फॉर। ओके सर, लूप डू लूप बाय लूप, तो कल हम लूप को खत्म कर देंगे और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओके सर, ओके।